हाँ भाई, तुम लोगों में से होमवर्क किस किसने नहीं किया? पप्पू, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते? सर माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में पड़ी थी। तो जाके ले आते? नहाया नहीं था। क्यों नहीं नहाए थे? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? क्या मायला, अभी तो बताया लाइट नहीं थी। ये बनेंगे टीचर। कौन है रे? हम लोग CID वाले, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी है। तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये क्या कर रहे हो? अरे आसमान में तारे नहीं आए, अभी धूप हो रही है। जो करना। अरे ऐसा क्या गिन रहे हो तुम, मुझे बताओ। अरे एक मिनट, मैंने कहा मुझे बताओ। एक आदमी दिन में 10-15 बार शेव करता है। अच्छा, 15 बार शेव बनाता होगा। हाँ। और फिर भी शाम को देखो तो उसकी शेव बड़ी होती है, बता कैसे? तू बता, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अरे कोई केमिकल वेमिकल लगाता होगा वो? नहीं। अरे पूरी बनाता ही नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी रह जाती होगी, नकली दाढ़ी होगी उसके बाद। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सही, जल्दी सोच। नहीं पता यार। अरे वो बार्बर है, खुद बार्बर है, 15-20 बार दाढ़ी बनाता है, तो वो लोगों की दाढ़ी बनाता है। अरे ये थोड़ी का अपनी दाढ़ी। मैं कह रहा हूँ एक एक प्लेट यहीं पर ध्यान से गिन लेना। जय भाई, 40 प्लेटें कम है। 40 प्लेटें? 40 प्लेटें तो मैं अपनी बारात में भी नहीं छोड़ूंगा। जल्दी फोन उठा। हेलो हेलो, दूल्हा बात कर रिया? हाँ। अरे तेरे यहाँ बारात में से 40 प्लेटें कमाएंगे? हाँ तो एक काम कर, प्लेटों के बदले मेरी बहू ले जा। देख लियो, मान जाऊंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है। मेरा मतलब फोटो दिखा देते, महल का काला हूँ। तो चाहे मैंने दोस्त का नंबर भेज दिया, उसे फोन कर ले, वो प्लेटें दे देगा। दोस्त दे देगा? क्या बात, तुम दोनों ने बहुत साजेम करी। भाड़े भे, तुझे क्या लेना देना, तुझसे कोई मतलब है? नहीं भाई, हमें क्या मतलब होगा, वैसे मेरी भी 40 प्लेटें। देख लियो, एक आधा हिस्सा बनता हो तो। अब्बा अब्बा के बदले मैं 2 प्लेटें भी नहीं दूंगा। अब्बा आ जाइयो। अरे यार बुढ़े आदमी का मैं क्या करूंगा, ये बताओ तुम। अरे दल्ले, अब्बा तुझे नहीं दे रहा हूँ, अब्बा प्लेटों के पैसे देंगे। अब्बा पैसे दे देंगे? हाँ, अब्बा का भी साझा बहू। अरे तुम ये कर। हेलो, क्या जमाना है यार, हम तो बहुत ही पीछे रह गए। गाँव जाने का मन नहीं कर रहा है भैया। क्या हुआ रे? अरे 4 बजे उठना पड़ जाता है गाय भैंस के चक्कर में। नहीं, 4 बजे सूत के भी 6 बजे उठना पड़ता है, भागना पड़ता है नौकरी के लिए। हमारे पापा भी तो हमको बहुत गरियाते हैं ना भैया। यहाँ जो बॉस गरियाता है, अब साला हमारा पड़दरवा कहता है कि साला कोनो लायक नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ आके हम कौन सा लायक हो गए? हमारे गर्लफ्रेंड भी हमको दिनों भर घुमाती है, कहती तुम हमसे प्यारा नहीं करते हो। अरे पगला, वो तो खाली तोरे घुमाती है। हाँ। यहाँ हमारा साथ 10 गो के घुमाती है। ऐसा बतिया, ये बतिए बस। अरे हमारा टिकट कटवा दीजिए, हम निकल जा रहे। निकल। हे इंद्र भगवान, जबले तू बरसात नाय करबा, तबले गर्मी शांत नाय होई। हिनकर दबदबा एकदम कम नाय होता प्रभु, इनके प्रभाव में आके वायु देव भी अपन अभाव बढ़ा के गरम गरम हवा फेंकत हमें। पेड़ लगवाओ पेड़। अरे प्रभु, पेड़ काट के रोड चौड़ा होता, और जो सरकार पेड़वा लगावतिया उके गोरु भैंस बकरी खा जात हमें, और जो पैसा देख रेख खर्चिन मिलता उके अधिकारी खा जात हमें। अच्छा। गरीबन लगे एकदम जमीनिये नहीं बा प्रभु, और अमीर में जो बाणा उकुल पार्क बनवावत हमें, फूल लगवावत हमें, लेकिन हम बाणी पेड़ लगवावत है। पेड़ नहीं लगी तो कुछ दिन में लगभग लहू फेंके। ऐसा बतिया, यह बतिया बस। अरे प्रभु, किसी ने सच ही कहा है, जब तक औरत की शादी ना हो तभी तक उसकी इज्जत होती है, शादी के बाद तो आदमी बिल्कुल बदल ही जाता है, और मुझे सख्त नफरत है ऐसे आदमी से। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मेरी दोस्त आलिया है ना, शादी से पहले सैफ भाई उसका इतना ख्याल रखते थे, रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते थे, और फोन पे तो 24 घंटे उससे बात करते थे। पर जब से आलिया की शादी हुई है ना, सैफ भाई ने गिफ्ट देना तो छोड़ो, बात करना भी बंद कर दिया है उससे। अगर आलिया को इतनी प्रॉब्लम है तो वो तलाक दे दे सैफ को। अरे तलाक तो वो तब देगी जब उसकी शादी हुई होती सैफ भाई से, शादी तो उसकी आमिर से हुई है। तुम सारे मर्द होते ही एक जैसे हो, बस गिरगिट की तरह रंग बदलना आता है।